वेलकम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुषमा पाल, नेचुरोपैथी फिजिशियन एंड ड्रग कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हर किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो लगभग सभी लोगों को पता है और बहुत से लोग इसका यूज भी करते हैं, बट सही तरीका क्या होता है इसका यूज करने का, ये कई लोगों को नहीं पता होता है और इतने सारे उसके अनगिनत फायदे होते हैं ये भी शायद सब लोग नहीं जानते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ अदरक के बारे में, जिसको हम लोग जिंजर बोलते हैं। फ्रेंड्स, आज अनगिनत फायदे जानेंगे जिंजर के, कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं और कब कब इसका यूज नहीं करना चाहिए या फिर कब इसको डॉक्टर की सलाह पर यूज करना चाहिए, तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स इसी वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, जब मैं बात कर रही हूँ जिंजर के बारे में, अदरक के बारे में, तो अदरक क्या होता है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज में होती है और इसमें मेन जो कंपाउंड पाया जाता है वो होता है जिंजरॉल। ये जो है इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है या फिर इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी होती है, और अगर किसी को एंटी एमेटिक कोई प्रॉब्लम है या फिर वॉमिटिंग होती है, नौजिया होती है, उसको भी प्रिवेंट करने में ये हेल्प करता है। फिर कुछ अभी रिसर्च से ये भी पता चला है कि ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है उसके लिए भी ये बहुत ही रामबाण साबित होता है और इनफर्टिलिटी को भी ये ठीक करने में हेल्प करता है। तो आज हम बहुत सारे इसके फायदे जानेंगे कि क्या क्या यूज अगर हम करेंगे तो क्या क्या फायदे हमें इससे मिल सकते हैं। फिर जब मैं जिंजर के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला, इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि जो हमारी बॉडी में या ज्वाइंट्स में इंफ्लामेशन होने लगता है, अगर कोई पेशेंट अर्थराइटिस का है जिसको जोड़ों में दर्द होता है, बैक में पेन होता है, वो लोग अगर डेली 2 ग्राम जिंजर का सेवन करते हैं, यूज करते हैं, तो काफी हद तक उनको ज्वाइंट्स पेन से, ये जो इंफ्लामेशन है बॉडी में, उससे रिलैक्स मिल सकता है। अगर आप जिंजर का डेली यूज करते हैं तो आपकी जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है। कई लोगों को गैस बनने लगती है, ब्लोटिंग टाइप से होती है, पेट भरा भरा सा महसूस होता है, तो उस चीज को भी ये प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। फिर जिंजर का जो और यूज होता है वो एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी होती है। एंटी एमेटिक मीन्स अगर किसी को नौजिया वॉमिटिंग जैसी शिकायत है तो उसको भी ये प्रिवेंट करने में काफी हद तक हेल्प करता है। जो नोजिया वोमिटिंग अधिकतर उन महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी के दौरान या मॉर्निंग सिकनेस लगती है महिलाओं को, मॉर्निंग के टाइम में बहुत ही ज्यादा वोमिट जैसा फील होता रहता है, उबके आते हैं, पेट भरा भरा से महसूस होता है, तो भी अगर वो महिलाएं जिंजर का डेली यूज करती हैं तो ये वोमिटिंग को प्रिवेंट करता है, नोजिया को भी प्रिवेंट करने का काम करती है, तो आपको जिंजर डेली यूज करना चाहिए। इसके अलावा जिंजर में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी को, आपकी मसल्स को इम्प्रूव करते हैं, आपके ये ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। फिर ब्रेन फंक्शन को ये कैसे इम्प्रूव करते हैं, अगर आप डेली यूज करते हैं तो आपके जो एज बढ़ने के साथ में धीरे धीरे अल्जाइमर डिजीज होने लगती है, किसी किसी को ये भूलने की शिकायत हो जाती है, जब काफी एज होने के बाद में लोग अपनी चीजों को भूलने लगते हैं, तो उसको भी ये ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करती है, ब्रेन मसल्स को इम्प्रूव करती है, जिससे कि ब्रेन का फंक्शन अच्छा होता है और आप जल्दी जल्दी इस चीजों को भूलेंगे नहीं। तो आपको लाइफ में अपनी जिंजर जरूर शामिल करनी चाहिए। फिर अभी रिसेंटली ही एक रिसर्च से पता चला है कि ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी वरदान साबित हो रही है। फिर डायबिटिक पेशेंट के लिए ये जो एक रिसर्च की गई उसमें कुछ लोगों को मेडिसिन के साथ में जिंजर भी दी गई और कुछ लोगों को जिंजर की तरह ही दूसरा कोई प्रोडक्ट दिया गया, और फिर ये पाया गया कि जिसको जिंजर दी जा रही थी उनका फास्टिंग में जो शुगर लेवल है वो काफी हद तक कम पाया गया। तो इससे ये पता चला कि शुगर पेशेंट के लिए भी जिंजर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उन मेल जो पर्सन है, जो पुरुष है, अगर डेली जिंजर का यूज करते हैं तो उनके जो स्पर्म है वो, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, स्पर्म काउंट बढ़ जाता है, जिससे कि हेल्दी स्पर्म होने की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। महिलाएं अगर इसका यूज करती है तो उनका ओवम अच्छा सा होता है, हेल्दी होता है और टाइम से वो रिलीज भी होता है। फ्रेंड्स,
ये कुछ रिसर्च से ये भी पता चला है कि जो अब्डोमेन पेन होता है, स्पेशली महिलाओं को जो कि पीरियड के दौरान पेट में दर्द होता है, अब्डोमेन पेन होता है, उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होती है। फ्रेंड्स, इसका इतना अच्छा इफेक्ट देखा गया है अब्डोमेन पेन में, या फिर जो पीरियड के दौरान दर्द होता है पेट में, अगर आप डेली जिंजर का यूज कर रहे हैं, या फिर आप जिंजर वाली चाय पीते हैं, या फिर आप एक गिलास पानी में थोड़ा सा एक टुकड़ा अदरक का कस के डालते हैं, और 1 से 2 उबाल आने के बाद में उसको अगर आप छान के पी लेते हैं, तो पेट में जो दर्द हो रहा होता है वो बहुत हद तक उसे निजात मिल जाती है। ये आप ये समझ सकते हैं कि जो आप एंटी एनाल्जेसिक मेडिसिन लेते हैं या एंटी स्पाजमेटिक जो मेडिसिन लेते हैं, उनके बराबर ये काम करता है। तो एक बार आप ट्राई इसको जरूर करके देखिएगा, और आपको कितना फायदा मिला ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रेंड, मैंने इतने सारे आपको फायदे बताए, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी अगर किसी को है, उसको भी ये काफी हद तक प्रिवेंट करने का काम करती है। फ्रेंड्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आपका वो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करती है, मेंटेन रखती है, या फिर हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनको ठीक करने में मदद करती है। फ्रेंड्स, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम कई बार बढ़ जाती है, या फिर ब्लड प्रेशर भी उनका बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है, उसको भी ये प्रिवेंट करता है, ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, इतने सारे मैंने आपको जिंजर के फायदे बताए। आई होप जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको पसंद आई होगी। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे और लोगों तक भी जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूंगी वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो फ्रेंड, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए